सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन कराची शाख तरफा सिंध के नामियारे अदीब तैलीमदान दानश्वर सदारती अवार्ड याफ्ता मोहम्मद इब्राहिम जोयो की 106वीं सालगराह सिघा के मरकजी ऑफिस में थी गुजरी। सालगराह तकरीब में सिघा के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद रफीक जाफरी मसूद नूरानी प्रोफेसर एजाज कुरैशी मोहम्मद अशरफ खुआवड़ मोहम्मद इब्राहिम जोयो के फर्जंद महबूब अली जोयो मोहम्मद अकबर मलक अली मोहम्मद मेमण बन शिरकत कई। उन मौके से सिंध टीवी न्यूज से गलंदे अगवाण मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब सिंध की तमाम वही पर्सनैलिटी आ सिंध जो वो दानिश्वर अदीब तमाम घनी होने जी मेहनत थे एतरा किताब लिखल जो कई सदियों जोए साहब के किताबन ते रिसर्च स्टूडेंट्स कंदा रहंदा तो उन्हीं को नौ खो नौ एकड़ो मैटर उन्होंने मिल रो जी तमाम वही पर्सनैलिटी आ उन्हीं गलायण के लिए वड़ा अदीब मौकिक उन्हीं रोशनी विझंदा। सालगिरह के लिहाज का काफ़ी भी तंजीमू भी इब्राहिम जोए साहब जो प्रोग्राम कंदा रहंदा है कुछ वक्त अग में महबूब साहब से उनके फर्ज से असि मुलाकात थी असन तो छो न असो सिगा वो प्लेटफॉर्म है असरी वही समाजी तंजीम है असो अदब से बिलाड़ो है असानी ही तंजीम काफ़ी जो किताब भी छपराया इब्राहिम जोए साहब से भी हाँ किताब अस छपरा है जो थोड़े प्रोग्राम अस दोस्त से शेयर कंदूँ तो हि साई जी असल जो लाइफ है साई एक नंढड़े गोठ आबाद में पैदा थे पाँच 22 अगस्त 1915 में पर हाँ इन में कुछ दोस्त जो ख्याल यो है 13 अगस्त है पर कुछ जी सर्टिफिकेट अवेलेबल है उनमें यो है साई जी जो पैदाइश हुई 22 अगस्त 1915 में थी उन साई जो है 1941-42 में मैट्रिक कई इतने सिंध मदरसे में पढ़िया साई के असुल लगा जो हुए न तालीम से तमाम घो हो साई एक वो दानश्वर वो नेशनलिस्ट वो काबिल चंद वो उलमा मानू हो इन गाल बुधा तो साई के सिंध से एडी मोहब्बत हुई एडी अटैचमेंट हुई जो साई एक किताब लिखो सेव सिंध सेव द कंटीजेंट तो उन जमाने में पीर इलाही बेख साहब के कह चई साई के जो है 1941 में टीचर हुआ साई सिंध मदरस में नौकरी में रिमूव करा छ्यों सिर्फ इन गाल तो यो जो है किताब छो लिखो सेव सिंध छो जो साई के सिंध से मोहब्बत ही तमाम तमाम घनी मोती साई उन एजुकेशन नौकरी का फारिग थी वरी साई जन ठट्टे में व्या उते ठट्टे में म्युनिसिपल कमेटी में साई के उते नौकरी मिली उते जॉब कयों उते ही काफ़ी उन जॉब में रिटायर थे उन सिंधी अदबी बोर्ड में हाँ ही किताब ऐसो साई जो लिखो हुए सेव सेव सिंध जैसे साई के नौकरी में जो है फारिग किया वो हाँ उन काज़ है उन मैनेजमेंट जहाँ था या पीर इलाही था पर मां लिखो तो साई के सिंध से केडी मोहब्बत हुई अच्छा साई वरी सदारती जो है अवॉर्ड भी हुआ उन वही गाल तो साई वरी सिंधी अदबी बोर्ड जो 1951 में जो है 1951 में साई ये जो है साई उत सिंधी अदबी जो सेक्रेटरी रहा 1973 तई साई उत सिंधी अदबी जहाँ सेक्रेटरी रहा साई जो वड़ी ते अदब से ये चाहिए तो सिंधी मानों से ढी मोहब्बत हुई लिट्रेचर से ढी मोहब्बत हुई किताबन से ढी मोहब्बत हुई कें एडवाइस दियण में कंजूसी तो कह सिंध की भलाई में जो है मिसाल तौर फ्रंट वार ममताज भुट्टे चेस तो मुख्य लिखी दे पंफलेट उन लिखी दी पली जे चेस भला मुख्य ही इन में जीएम सद एक तो मुख्य पली जे चेस भाई वनो तेहरबानी कर वनो वही खत लिखा उन इब्राहिम जोए का जो मुख्य जीएम सद के लिखो है जैसे इताद पे ठया सिंध कौमी इताद पे ठो सन में 21 मई 1988 मुझे ख्याल में ये हुई तो उन में खत लिखी जीम सिंध की जैमें वो इब्राहिम जोए ड्राफ्ट कर अच्छा वरी वो तो वो एम क्यू मारण के जरूरत पवी तो वो उनके सिंध की भलाई में अड़ी एडवाइस दई छी तो भले उन्न में यह वही खूबी हुई पर उनको वो नतीजो भी थोड़ा थो जो तनकीद थी साई साई जीम सिंध वो जो
इतिहाद जो पहरों ढी जो थो तो आऊँ पलियो साहब जोयो साहब आलम शाह गड़जी आयासूँ मुख्य साई फोन कई हुई तो घना मू तो मुझे इतना चार जणा हूँ में इब्राहिम जो है जमानी वनी करनी हुई न तो पुछी मुखा व्यासूँ उत पे ढी पे पॉइंट इी तो असं रुगो सिंधी जो इतिहाद है या मुआजर खड़बा या बिहार जो नॉन सिंधी असो स्टैंड तो पे तिंधी स्पीकिंग जो ठा पो नॉन स्पीकिंग पे पा मजबूत थियं को बुनियाद ठा विझूँ पर इन मुतफिक न थे वो गौर थी पो खैर आखिर वाणी कर इब्राहिम जो खा असि हिमायत कई वरी थोड़ी देर मामलो गरम थो तो इब्राहिम जो वो उन पास हलो वो तो साई जीम से चेस पर तू एक पास थी ना उन गठो हुई इन गठ वेठो हुई आगे चाहे चाहो तू उ चिट्ठी दर याद डो पर तो सिंध के मफाद में गाल क्या ढोड़ो बी जगह उनमें गाल हुई तो घो कर वॉक कंद हो अजाओ खर्चाओ यानी अवॉइड अवॉइड कर सादो मू सिंपल लाइफ बिल्कुल गांधी की स्टाइल मू फ्रैंकली स्पीकिंग मान दिसा तो हिंसा सोचा तो उन बिल्कुल गांधी वो नमूनो हो सिंपल लाइफ वॉक कर हलन हो रिक्शा में चढ़ हो एक दफो गांधी का पुछों तो थर्ड क्लास में चौथों सफर करी जी इन करे थर्ड क्लास में सफर कर चौथों क्लास को नो या सादगी लाइफ की उनमें यो या खूबी हुई बो रिसाल भी कटी सिंध के लिए हर जलसे में गड हों हो हर तहरीक में गड हों जो भी मू सिंध की गाल ही उन पुछा लगे उनके सपोर्ट कर कें वक्त भले रात बारह एक बजे माइंड न कह का शह लिखनी है करनी है में तो उनो बो असेंगे पॉइंट पंपलेट लिखो हुई जैसे अस नौजवान हुआसूँ उनमें लिखो तो ये वन की साजिश कें कई वो सजो उनमें या पे दफो अस खबर पी हि साजिश कें थी इनके अंडू कें कज उन तहरीक में असा गडो तमाम जबरदस्त मू हो थोरिटिकल थोड़ी अमली तरह से जबरदस्त मू इब्राहिम जो 106 साल उनकी उम्र यकीनी तौर से उन पाकिस्तान ठहण का अग में पा जवान हुआ 30 साल का मथे साई जिनकी उम्र जवान हुआ तालीम भी उन पाकिस्तान ठहण का अग में हासिल कई उस्ताद थिया सिंध मदरसे में उस्ताद हुआ साई शमशेर हैदरी जो इन सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो बानी साई उन्हें जा भी उस्ताद हुआ साई रसूल पली जो साहब जहाँ भी उस्ताद हुआ अड़े तरीके से सिंध में 100 साल साई वड़ा उस्ताद जे सिसा रहा अदीब शायर उन अलावा केतरा ही तर्जुमा कया साई सजे इंटरनेशनल अदब जहा सफरनामन जहा फलसफन जहा तो ये एडो वो असासो साई मोहम्मद इब्राहिम जोए साहब जो असा वट मौजूद है जैके ये समझिए तो असा 100 साल की जो उन उ उझाई है यकीनी तौर पर वो एडो वो असासो है जो 100 साल असाज नसलन के ये किताब ही जो इल्म साई जो इतने तैयार थियल है वो उन उझाई रहनुमाई कई सिंध की तमीर जी साई शुरू कई हुई वह नसल दर नसल अगते वदंदी ए रहनमाई मिलंदी असां समाजी हवाले सां उन्हनि में को वॾा माण पाई न हुई जेतरा जेतरो जो साहब तमामु वॾो इंसान हुयो जेतरो हुन में इल्म हुयो जेतरी हुन में शऊर हुयो जेतरो हुननि मुख़्तलिफ़ असांखे किताब ॾिना तक़रीबन 200 खनि या उनखां बि शायदि वधीक किताब आहिनि त इहो जेको बि हुननि मटीरियल ॾिनो असांखे त उन्हनि जी ज़िंदगीअ में उनजे उबतड़ बिल्कुलु सादगी हुई ऐं हुननि हिकिड़े जेको पंहिंजे हुननि जी हयातीअ जो अहवाल बि लिखियो आहे त हुन में हुननि लिखियो त हुननि बिल्कुलु ॻोठाणी ज़िंदगीअ खां वठी शुरूआति कई ऐं साईं जीअं सैयद साहब जन सां हुननि जी घणी इंस्पिरेशन हुई ऐं नंढपिण खां वठी हुननि स्कूल एजुकेशन खां वठी करे हुते हैदर मंज़िल में रहिया ऐं सन में हुननि गुज़ारियो ऐं हुन सन जो साईं जीअं हुनखे चवंदा त उन्हनि जी ईअं खणी चइजे त तरबियत ऐं तइलीम जो बि संदनि मथां असरु हुयो ऐं
तमाम हिकड़ी सादगी वारी पसंद शख्सियत हुया का भी वडाई ये समझजे अजकल जकडे उन जे उतरो वडो कोई आलम हुजे त मां समझा थी त हु शायद पंहिंजो पाण खे ॾाढे आला मकाम ते समझे पर हु आला मकाम ते हुंदे भी पंहिंजो पाण खे बिल्कुल हिकड़े आम इंसान माण्हू वांगुरु समझंदा मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब तालीमदान समझो समाज ध्यान समझो वो लेखक समझो दानश्वर समझो समाजी वर्कर समझो सियासी तहरीकों जो अगवान समझो वो सिंधी अदब जो वो नालो हो असा उनके जो निसाब है असाजे सिंधी तालीम जो उनमें वो कंट्रीब्यूशन रो साईं नबी बख्श बलोच से गड सारी जिंदगी वेही सिंध के पांजो मकतब ए महवर बनाए जो कुछ लिखो आ वो सिंध ला लिखो आ उनकी रहनमाई ला लिखो आ उन अगुवाट अगे कथियों क्यों आन तड़ वक्त में सिंध में कड़ी दुख्या पेश इंदूँ वो सजो पस मंजर उन पेशगी अगुवाट जो उन बयान किया समझा तो असो नौजवान जो नस्ल ए तबको जो शागिर्दन उ हर हाल में मोहम्मद इब्राहिम जो के पढ़न तो उन अग्या उनो दग दसो इन करो महान मानू हो जितने कदर जोई साहब जो जिक्र है तो जोई साहब हर हवाले से शख्सियत जो हिस्सो उन कंट्रीब्यूट कर चाहे जो तहरीकू हुई उनमें भी उन अलावा जो शुरू का वी जो तैलीमी जो निसाब जो असो रो उन वी हु लागापिल रो तैलीम से उन किताबन जो तैदाद जो सवन में है उन पी सी हयाती जन कम में शामिल रो इलाही तकलीफ़ उनके आयूं उनके इदारा छड़ना पिया पर आखिरकार उनकी जका कुर्बानी हुयूं या उनको जो कम हो उनको पूरियो हो उनके मान मर्तबो मिलियो सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के हवाले से पुछो था तो अला सही उनके वही हयाती दिनी उनको जो 100 साल तकरीबात हुई उनमें सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन शामिल हुई उनके किताबन की अशात के सिलसिले में या उन सिलसिले में जब कमेटी हुई उन जो जिम्मेदारी रखी उन में अस तकरीबात भी कयूसी पैं हिसाब से जी इन एडी महान शख्सियत के मुकम्मिल तौर पर मान दई सकजे उन मानाइती शख्सियत के हवाले से जरूरी है तो उनके उनजा जो भी ऐं अचन था उनकी वर्सी हुए उनकी सालगिरह हुए तो उन्होंने असं उन्होंने याद करूँ न फकत उन्होंने याद करण से यो तो अस उन शख्सियत के मान था दूँ बल्कि उन्होंने जो पोरियो है या उन्हें जो अमल है वो बेन के लिए मशल राह बनजे मोहम्मद इब्राहिम जो हो सिंध जो सरमायो उनके किताब लिखण तेन सिंध मदरसतुल इस्लाम में उस्ताद की नौकरी तां बरतरफ कयो वयो तकरीब में मोहम्मद इब्राहिम जो की सालगिरह जो केक कटे किताब की महूरत कई वही कैमरामैन वकार शेख सा बशीर संजरानी सिंधवी न्यूज़ कराची।